हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज एक जनरल साइंस का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें बेसिकली हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं और उनकी यूसेस, कि कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस का ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है, 1 और 2 मार्क्स का जनरली आता ही आता है। सो हम लोग 1 लाइनर यहाँ से प्रिपेयर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस के बारे में। सबसे पहले देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यहाँ पे मैं आपको 1 लाइन में बताने वाली हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले एक हमारा डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्टमीटर, ठीक है। अब जो ऑल्टमीटर है ये किस तरीके से यूज होता है, देखो हम थोड़ा सा चीजों को इजी करते हुए, याद करते हुए यहाँ से चलेंगे। तो ऑल्टमीटर हमारा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग एल्टीट्यूड को मेजर करते हैं, ठीक है। सो इट मेजर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का सिंपली मतलब होता है हाइट, यानी कि आपकी हाइट को मेजर करता है, लेकिन हाइट भी किस टर्म में, एल्टीट्यूड के टर्म में। आपको पता है ना, हम लोग जब किसी भी हिली एरिया में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। सो एल्टमीटर आपका हाइट को मेजर करता है और मेनली ये आपका एयरक्राफ्ट्स में यूज किया जाता है हाइट को मेजर करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करोगे, ऑल्टीमीटर, ऑल्ट से एल्टीट्यूड और मीटर मीन्स हाइट के लिए तो हम जनरली मीटर यूज करते हैं ना, जब भी हमें लेंथ मेजर करनी होती है तो मीटर के टर्म में मेजर करते हैं। तो ऑल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस जो आपके एल्टीट्यूड को मेजर करने वाला है, और कहाँ यूज करेंगे, बेसिकली इसको यूज करेंगे हम लोग एयरक्राफ्ट में। दूसरा हमारा डिवाइस होगा, इंपॉर्टेंट डिवाइस है एमीटर। एमीटर से भी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है जनरल साइंस के टॉपिक में। सो एमीटर हमारा, आप सभी को पता है, कैसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। सो इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब इसे आप कैसे समझोगे, देखिए करंट को हमेशा हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में मेजर करते हैं। तो एम्पियर से एमीटर है ना, जो डिवाइस आपकी एम्पियर के अंदर रीडिंग देगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उस डिवाइस को हमने एमीटर बोल दिया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करेगा, इन एम्पियर। थर्ड हमारा डिवाइस है, वैसे तो आपके बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बट हम लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिवाइस को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट होगा हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर अगेन नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा डिवाइस जो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियो से रिलेटेड होगा। तो फोर्स, एक ऐसा डिवाइस जो फोर्स एंड वेलोसिटी, सॉरी ऑडियोमीटर आपका होता है जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को आपको मेजर करता है, नॉट फोर्स, ये मेजर करता है आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, कि किस इंटेंसिटी से आपका साउंड, कितना इंटेंस आपका साउंड आ रहा है। तो ऑडियोमीटर अ डिवाइस दैट मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर इसी के साथ एक डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं ऑडियोफोन। दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ आपने समझते हुए चलना, ठीक है। ऑडियोफोन क्या करेगा, फोन मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हियरिंग। सो ऑफकोर्स इट इज यूज फॉर इंप्रूविंग इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग। अगर आपने इम्परफेक्ट सेंस आ रहा है आपको, मान लीजिए आप ऑडियोफोन किस लिए यूज करते हो, आपका फोन है, आपके फोन में आपने वॉल्यूम साउंड को थोड़ा बढ़ाना है, आप ऑडियोफोन यूज करते हो, है ना। तो ऑडियोफोन एक ऐसा डिवाइस है दैट यूज फॉर इम्प्रूविंग इम्परफेक्ट हियरिंग ऑफ साउंड या सेंस ऑफ हियरिंग।
फोर्थ हमारा डिवाइस है यस फोर्थ हमारा डिवाइस है एनीमोमीटर। एक सेकेंड, फिफ्थ हमारा डिवाइस है, नॉट फोर्थ, फोर्थ तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो फिफ्थ वन होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो रिलेटेड होगा किसके साथ, एक ऐसा डिवाइस जो आपकी विंड वेलोसिटी को डिटरमाइन करेगा। सो इट डिटरमाइन या इट मेजर्स The wind velocity, और ये आप डबल स्टार रख लीजिए क्योंकि एनीमोमीटर आपके मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑलमोस्ट वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट एनीमोमीटर से जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो तो अब तक आपको इतने अच्छे से याद हो चुका होगा, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस, बैरो वर्ड हमेशा प्रेशर से रिलेटेड है, तो बैरोमीटर एक डिवाइस जो प्रेशर को मेजर करेगा, ठीक है। बैरो वर्ड कहीं भी आ जाए वो आपका प्रेशर से रिलेटेड होगा। सो बैरोमीटर मेजर, और कौन सा प्रेशर, द एटमोस्फेरिक प्रेशर। राइट, नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर के बाद डायनेमो। अब डायनेमो आपको पता है ना, हम लोग ऐसी जगह यूज करते हैं जहां हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम वहां पर डायनेमो को यूज करते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, नॉट सॉरी केमिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब आपने कन्वर्ट करना है तो हम डायनेमो नाम का डिवाइस यूज करते हैं। फिर उसके बाद आपका फैटोमीटर। फैटोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, जब आपने ओशियन की डेप्थ मेजर करनी है, इसीलिए ओशन की डेप्थ से आपने रिलेट करके इसको समझना है। ओशन की डेप्थ को हम लोग फैटोम में मेजर करते हैं, तो एक ऐसा डिवाइस जो हमें ओशन की डेप्थ बता के दे रहा है उसको हम लोग फैटोमीटर कहेंगे। इसकी रीडिंग किस में आएगी, फैटोम में आएगी। सो इट मेजर्स दी डेप्थ ऑफ ओशन। राइट, फिर उसके बाद है हमारे पास यस हाइड्रोमीटर हो गया। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो रिलेटेड है किसके साथ, आपके वाटर के साथ। सो इट मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो DSSSB के लिए, चाहे प्रिपेयर कर रहे हो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो KBS के लिए, सभी एग्जाम्स में इन जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर जनरल साइंस वाला टॉपिक जनरली आपका जनरल अवेयरनेस वाले में आता है, अगर आप TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके साइंस वाले पार्ट में आएगा, CTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके साइंस वाले पार्ट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो यू शुड मेक श्योर कि हम इन वन लाइनर क्वेश्चन को प्रिपेयर करके चलें, क्योंकि ये जनरल सी बातें हैं जो आपको एक्चुअल में पता होनी चाहिए। फिर आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस क्या मेजर करेगा, हाइग्रो वर्ड से याद रखना है ह्यूमिडिटी, जहां भी हाइग्रो वर्ड आ जाए मतलब ये ह्यूमिडिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो इट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। जब हमें एयर का ह्यूमिडिटी मेजर करना है तो हम हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं एज अ डिवाइस। उसके बाद है लैक्टोमीटर। लैक्टो वर्ड आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है मिल्क के साथ, तो ये डिटरमाइन करेगा प्योरिटी ऑफ मिल्क को। एक ऐसा डिवाइस जो आपको प्योरिटी ऑफ मिल्क को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप सभी को पता है किस लिए यूज किए जाते हैं, माइक्रोफोन है ना। माइक्रोफोन ऐसे डिवाइस जो मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, किसको, हमारे साउंड को। सो माइक्रोफोन ऐसा डिवाइस जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है और मैग्नीफाई करता है साउंड को। तो हम इसे कह सकते हैं डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन। आप लोग अपने फोन के लिए, सेलफोन के लिए यूज करते हो ना, तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली साउंड को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है ताकि हमें इजीली हमारे ईयर तक वो वाइब्रेशन जा सके और हमें साउंड सुनाई दे सके आराम से। और दूसरा हमारा माइक्रोफोन का पर्पस क्या होता है, मैग्नीफाई करना साउंड, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस है, तो हम इसी स्पेस को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हम उन डिवाइस के बारे में और अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा डिवाइस क्या होगा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप सभी को पता है माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। जब हमें छोटी सी चीज को मैग्नीफाई करना होता है, तो इट इज यूज टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। सो अ डिवाइस दैट इज यूज फॉर मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिवाइस है जैसे कि पायरोमीटर। पायरोमीटर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो है हमारा पायरोमीटर। क्यों, क्योंकि पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही ज्यादा यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। सो वेरी हाई टेम्परेचर जब भी आपको मेजर करना होगा तो हम पायरोमीटर को यूज करेंगे। आपने एक डिवाइस और सुना होगा जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर भी टेम्परेचर को मेजर करता है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं करता। लेकिन पायरोमीटर ऐसा डिवाइस है जो आपके हाई टेम्परेचर, सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है दैट इज जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आपके एग्जाम में पूछा होगा सेस्मोग्राफ क्या होता है। सेस्मोग्राफ या आपसे इनडायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, सेस्मोग्राफ बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को एक बताता है कि इसकी हेल्प से, सेस्मोग्राफ की हेल्प से हम मेजर करते हैं कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है, जिससे हमें रीडिंग मिलती है। उस रीडिंग से रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्केल है जिसके ऊपर हमें सेस्मोग्राफ में रीडिंग मिलती है, अगर सेस्मिक वेव्स की रीडिंग मिलती है तो वो रेक्टर स्केल होता है, ठीक है। वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर आप उसे नोट डाउन कर लें। सो सेस्मोग्राफ बेसिकली मेजर द इंटेंसिटी, इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आपका आ रहा है। बेसिकली ये डिवाइस पता है क्या करता है, ये डिवाइस ना सेसमिक वेव्स को मेजर करता है। सेसमिक वेव्स हमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जानने में हेल्प करती है, और उन सेसमिक वेव को ग्राफ प्लॉट करके देता है सेस्मोग्राफ, एक ऐसा डिवाइस जो रिक्टर स्केल में हमें रीडिंग देगा 0 से 10 तक कि इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आपका आ सकता है। फिर एक डिवाइस है स्टेथोस्कोप, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। स्टेथोस्कोप एक डिवाइस जनरली डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, आपने सभी डॉक्टर्स के गले में एक डिवाइस लटका हुआ देखा होगा, दैट इज स्टेथोस्कोप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर को हेल्प करता है कि वो दिल की धड़कन सुन सके, हमारी हार्ट की जो हार्ट बीट है उसको एनालाइज कर सके, हमारे लंग्स का साउंड वो सुन पाते हैं ना। तो स्टेथोस्कोप मेनली ये एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है बाय द डॉक्टर टू एनालाइज द हार्ट साउंड। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वोल्टमीटर। यस,
वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस जो आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा, इट मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट है, उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है और हमें पता करना है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट यूज टू मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। और किनके में बीच में मेजर करेगा, बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में मेजर करने के लिए ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस थे। अच्छा, इसके अलावा एक और डिवाइस यहाँ से लिख लीजिए जिसे हम कहेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस जो हमें मेजर करने में हेल्प करेगा जब हमें दूर की चीजें देखनी होती है, जैसे कि स्पेस के अंदर कोई चीज देखनी है, कोई ऑब्जेक्ट देखना है। सो ये हमें एक व्यू देता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस के लिए। तो टेलीस्कोप को यूज करते हैं हम लोग, इट प्रोवाइड व्यूज ऑफ डिस्टेंट स्पेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक लास्ट हमारा डिवाइस है जिसे हम कहेंगे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एनीमोमीटर एनीमो से रिलेटेड है एयर, यानी कि जब आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड को फाइंड आउट करना है तो एनीमोमीटर को यूज किया जाएगा। तो एनीमोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड।